ये आज हम बनाएंगे छोले। छोले मैंने भगा के रखे थे, उसको 4 घंटे खन हो गए, अभी चढ़ा देते हैं। इसको मैंने एक मरतबा धो लिया है, अभी इसमें भिगोते वक्त मैंने इसमें सोडे वगैरह नहीं डाला था। पानी रख दिया था, ये पानी उबल गया है। अभी मैं छोले डाल दूंगा। ढक्कन लगा दूंगा। हमारे अभी छोले के लिए हमने ये कटिंग करनी है। प्याज मैंने छील के, प्याज को मैंने धो लिया था, धो के अभी इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग माशाल्लाह इसे करनी है बारीक बारीक सी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं इसमें 2 किलो ऑयल लगा दूंगा। 8 किलो मेरे पास छोले हैं, 2 किलो ऑयल है, और प्याज काट दिया, टमाटर भी काट दिया मैंने। तेल गरम हो गया है, अभी मेरे पास 2 किलो प्याज कटे हुए हैं, ये 3 पत्ते तेज पत्ते के हैं, ये भी डाल। ये गरम मसाला है मेरे पास, देख सकते हो, ये भी डाल देंगे। अभी मेरा सारा प्याज मेरा ब्राउन होने वाला है, ब्राउन हुआ नहीं है। अभी मैं इसमें मिर्ची और अदरक लहसुन का पेस्ट, ये मेरे पास कटी हुई मिर्ची है, और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है। बस 3 किलो टमाटर कटे हुए हैं, माशाल्लाह। जब तक मसाला बने, ये टमाटर नरम हो जाए तब तक हम मसाला निकालते हैं। अभी मैं छोलों के लिए मसाला निकाल दूंगा। ये लाल मिर्च पाउडर है, ये 1 चम्मच, आधा चम्मच जाएगा, ये जाएगा धनिया पाउडर, ये भी आधा चम्मच है, ये कटर मिर्ची, ये सूखा धनिया, ये जीरा है, काली मिर्ची खरल की हुई है, पाउडर है, भर ये पहले नमक डालूंगा, ये जाएगा 1.5 चम्मच, इसमें जाएगा मसाला, जब तक हमारे छोले गल रहे हैं तब तक ये मसाला हमारा रेडी हो जाएगा। अभी इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूंगा, अभी मैं इसमें 1 किलो खन पानी डाल दूंगा, थोड़ी भुनाई करके इसमें मसाला में तेल निकाल दूंगा। माशाल्लाह ये मेरे पास मसाला तैयार हो गया है। अभी इसको है ना उतार देंगे, छोलों को चेक कर देंगे। इसको 40 मिनट हो गए, छोले मेरे पास जो है ना हलवा हो गए, बिल्कुल जैसे बोलते हैं हलवा ऐसा हो गया माशाल्लाह। अभी मैं मसाला लगा दूंगा इसमें, छोलों में अभी मसाला लगा दूंगा मैं, मस्त। खोल दूंगा, बुनाई करूंगा इसकी। अभी छोले हमारे पास रेडी हो गए,
छोले हमारे गल के बिल्कुल तैयार हो गए। इसके लिए जाएगा मेरे पास गरम मसाला कूटा हुआ है, ये लगा के इसको उतार दूंगा मैं। सही तरीके से इसकी भुनाई हो गई। अभी इसमें जाएगा हरा मसाला, ये अभी मैंने मिर्ची और धनिया लगा दिया। अभी माशाल्लाह छोले मेरे तैयार हो गए, इसके ऊपर थोड़ी हल्की सी काली मिर्च लगा देंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह